वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्वांटम फिजिक्स में इनका क्या रोल है। क्वांटम फिजिक्स में अब तक के कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए देखिए इस चैनल पर क्वांटम फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट और स्ट्रॉन्ग करें अपने बेसिक्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस तरह की सभी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन फिजिक्स एन ऑपरेटर इज ए फंक्शन ओवर ए स्पेस ऑफ फिजिकल स्टेट टू अनदर स्पेस ऑफ ए फिजिकल स्टेट। इसका मतलब है ऑपरेटर एक फंक्शन है जो कि किसी फिजिकल स्टेट पर अप्लाई होकर उसे किसी दूसरी फिजिकल स्टेट में पहुंचा देता है या फिर कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं एन ऑपरेटर या फिर ऑपरेटर इज ए फंक्शन। तो ऑपरेटर एक फंक्शन है और वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी पर ऑपरेट होता है और उसको कन्वर्ट करता है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इन ए फिजिकल एक्सपेरिमेंट लाइक पोजिशन मोमेंटम। तो ऑब्जर्वेबल सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी एक्सपेक्ट के अंदर या फिर किसी भी कंडीशन या एक्सपेरिमेंट के अंदर। एन ऑपरेटर इज एन रूल बाय मीन ऑफ विच ए फंक्शन इज चेंज्ड इनटू अनदर फंक्शन। तो अभी मैंने बताया कि ऑपरेटर एक फंक्शन है, एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फंक्शन को चेंज कर सकते हैं दूसरे फंक्शन या फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल दें तो इफ़ ए इज़ एन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन एन फंक्शन एफ एक्स देन इट गिव्स अनदर फंक्शन जी एक्स। अगर हम इसको मैथमेटिकली अरेंज करते हैं, हम बोलते हैं कि ए यहाँ ऑपरेटर है और उसको ऑपरेट कराते हैं किसी फंक्शन एफ एक्स पर, तो इसका रिजल्ट हमें एक नया फंक्शन मिलेगा जी एक्स। यानी कि हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि हमने ए ऑपरेटर किसी फंक्शन एफ एक्स पर ऑपरेट कराया तो उसका रिजल्ट हमें एक नया फंक्शन जी एक्स मिला। ए कॉन्स्टेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज ए ऑपरेटर बिकॉज इट डज नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो 5 एक कॉन्स्टेंट है और वो ऑपरेटर नहीं हो सकता क्योंकि वो इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये बाद में भी 5 ऑफ एफ एक्स होगा। अगर बी यहाँ पर ऑपरेटर ना होकर कोई कांस्टेंट है तो वो भी किसी फंक्शन को चेंज नहीं कर सकता और इसीलिए उसको हम ऑपरेटर नहीं बोल सकते। तो ऑपरेटर सिर्फ वो ही वैल्यू होगी, वो ही फंक्शन होगा या फिर वो ही ऑपरेटर या फंक्शन या रूल होगा जो किसी भी दूसरे फंक्शन को कन्वर्ट करके उसको एक नई फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेट ए बी ए स्क्वायर ऑपरेटर। मैं बोल देता हूँ कि ए एक स्क्वायर ऑपरेटर है तो मैं उसको ऑपरेट कराता हूँ एफ एक्स पर, तो ए ऑपरेट करता है स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स पर, इसका मतलब जो ए है वो एफ एक्स का स्क्वायर कर देगा। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स का स्क्वायर कर दिया तो हमें एक नया फंक्शन मिल गया एफ एक्स स्क्वायर। तो जब ए ने एफ एक्स पर ऑपरेट किया तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है एफ एक्स स्क्वायर, तो ए यहाँ पर ऑपरेटर होगा। अगर मैं ए को बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑपरेटर तो वो डेरिवेटिव कर देगा उस फंक्शन का, तो मैं ए को ऑपरेट कराता हूँ एफ एक्स पर तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए यानी कि डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स, तो नया फंक्शन होगा डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स। हम किसी भी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर तब ही बोल सकते हैं जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अगर कोई ऑपरेटर है ए, उसको हम ऑपरेट कराते हैं दो फंक्शन के सम के साथ, तो साई वन प्लस साई टू हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इनको हम ऑपरेट कराएंगे ए पर तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए साई वन प्लस ए साई टू। अगर मैं किसी भी ऑपरेटर को इस तरह लिख सकता हूँ तो वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होगा। या फिर मल्टीप्लिकेशन है किसी भी कॉन्स्टेंट की और एक फंक्शन की और उसके ऊपर मैं कोई फंक्शन ऑपरेट कराता हूँ ए, तो वो जो आंसर हमें मिलेगा वो कांस्टेंट बाहर होगा और वो जो ऑपरेटर है वो फंक्शन पर ऑपरेट होगा। तो ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगी तो हम बोल सकते हैं ए क्या होगा, एक लीनियर
ऑपरेटर होगा। इसका हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास साई है एक्स स्क्वायर, सी है 5, अगर मैं इस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ करूँ तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, फाई कॉन्स्टेंट है इसको बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये होगा 2 × 5 x, तो ये 10x यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो ये एक लीनियर ऑपरेटर की पहचान है। द ऑपरेटर दैट एनहिलेट्स द फंक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑपरेटर, यानी कि वो ऑपरेटर जो किसी फंक्शन को ज़ीरो कर दे, एनहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय कर दे या ख़त्म कर दे, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑपरेटर। ज़ीरो ऑपरेटर को हम ऐसे दिखाते हैं, ज़ीरो के बाद लिखते हैं ओ पी, यानी कि ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है कि जिसके साथ हम किसी फंक्शन को ऑपरेट कराने के बाद वो सेम फंक्शन दोबारा मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें फिजिक्स के अंदर यूज़ में लाने पड़ते हैं जब भी हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है वो हमारा है, अगर मैं एक ऑपरेटर को बी साई पर ऑपरेट कराता हूँ तो वहाँ पर हमें मिलता है सी साई। अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि हम कॉम्यूट रूल देखते हैं, अगर हम एक ऑपरेटर को बी पर ऑपरेट कराते हैं वो इक्वल नहीं होगा बी ऑपरेटर को ए पर ऑपरेट कराना, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं हो सकती किसी भी हाल में। इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास, अगर मैं ए को लिखता हूँ एक्स और बी को लिखता हूँ डी बाई डी एक्स, और ये दो ऑपरेटर हैं, इनको मैं ऑपरेट कराता हूँ किसी भी नए फंक्शन साई पर, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह होगी, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई इज इक्वल टू होगा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई। बट अगर मैं डी बाई डी एक्स को पहले लेता हूँ, एक्स को बाद में, तो उसकी कुछ वैल्यू ये होगी, डी बाई डी एक्स ये दो फंक्शन हो गए, इन दोनों पर ऑपरेट होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, अगर हम x का करेंगे तो 1 होगा तो साई बचेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ साई करेंगे तो x बाहर रहेगा ये बचेगा। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं किसी भी फंक्शन पर इस तरह लिखे जा सकते हैं या फिर इस तरह लिखे जा सकते हैं, तो वो दोनों ऑपरेटर इक्वल रिजल्ट नहीं देंगे कभी भी। तो ऑपरेटर्स कभी भी कम्यूट नहीं करते इस तरह की सिचुएशंस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है, इफ़ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी आर एज फॉलोज, कुछ इस तरह हैं ए डॉट बी इजक्ल टू बी डॉट ए, तो उन ऑपरेटर्स को हम रेसिप्रोकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं या फिर इनवर्स ऑपरेटर्स, तो वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, तभी उसी कंडीशन के अंदर ये जो सिचुएशन है ये सेटिस्फाई होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, फॉर एन ऑपरेटर फॉर विच ए रेसिप्रोकल एग्जिस्ट, अगर किसी भी ऑपरेटर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर ऑपरेटर, अगर कोई रेसिप्रोकल नहीं एग्जिस्ट करता उसको हम बोलते हैं सिंगुलर ऑपरेटर। ये दोनों कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो नॉन सिंगुलर ऑपरेटर, और जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम बोलते हैं सिंगुलर ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं उनका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जनरली एवरेज वैल्यूज़ होती हैं, और इनको डिनोट करने के लिए हम इस तरह की ओपनिंग यूज़ करते हैं, जैसे हमें ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो इस तरह होगी, प्रोबेबिलिटी की निकालनी है तो वो इस तरह होगी, साई की निकालनी है तो वो कुछ इस तरह होगी। तो हम इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकालनी है या फिर एवरेज वैल्यूज़ निकालनी है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एवरेज फॉर अ रिजल्ट ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट, और इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो किसी भी मैथमेटिकल सिचुएशन के अंदर, कोई सिंगल मेजरमेंट लिया है उसका रिजल्ट वो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने कोई रोड है मेटल की, उसकी मैं लेंथ डिनोट करता हूँ या मेज़र करता हूँ 5 feet, तो ये एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू है कि हमने कितना एक्सपेक्ट किया था उसका रिजल्ट हमें मिला 5 feet। अगर कोई
रोड है और उसको हम अलग अलग बार मेज़र कर रहे हैं, कभी 5.1 है, कभी 5.2 है, कभी 4.9 है, कभी 4.8 है, अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो हम उनका एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो परफेक्ट रिज़ल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। अब जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं वो पोजिशन वैक्टर के केस में वेव फंक्शन, अब अगर नॉर्मलाइज है तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर पोजिशन वैक्टर को डिनोट करते हैं आर से ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को, तो इंटीग्रल आर पी, यहाँ पर पोजिशन वैक्टर है, मोमेंटम वैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू आर एंड टी और डी टो, तो इसका जो टोटल रिजल्ट होगा वो हम कुछ इस तरह लिखते हैं। और ये हमें हमेशा याद रखना होगा क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें काफ़ी मदद करती हैं जब भी हम डेरिवेशंस करते हैं। तो इंटीग्रल साई स्टार विद रिस्पेक्ट टू आर एंड टी साई आर टी डी टो, यही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन वैक्टर जब भी कोई फंक्शन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है। अगर हम इसी को एक्स एक्सिस के रूप में लिखें तो वो होगा साई स्टार एक्स साई डीटो, वाई के रिस्पेक्ट में लिखें साई स्टार वाई डीटो, जेड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं साई स्टार जेड डीटो, यानी कि हमने स्टार लिखना है साई का, वो फंक्शन लिखना है और दोबारा साई और डीटो। ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी पोजिशन वेक्टर के फंक्शन की। अगर हमें एनर्जी की लिखनी है तो एनर्जी का और भी ज़्यादा आसान है, ई के लिए इस तरह इंटीग्रल साई स्टार लिखना है और हमें एनर्जी ऑपरेटर लिखना है। एनर्जी ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई, ये सब हमने देख लिया था जब हमने डिराइव की थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये है एनर्जी ऑपरेटर, तो हम साई स्टार एनर्जी ऑपरेटर साई डीटो लिखेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब है एवरेज वैल्यू होगी, समीशन कर रखा है हमने उसका। अब अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी तो वहाँ पर हम मोमेंटम ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर होता है आई एच क्रॉस डेल, डेल यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, ये होता है आई जेड के, यानी कि तीन डायरेक्शंस के अंदर, यानी कि ये थ्री डायमेंशंस वैल्यू हैं। तो यहाँ पर डेल स्टार ऑपरेटर की वैल्यू मोमेंटम ऑपरेटर की, और फिर साई डी टो, साई स्टार डेल ऑपरेटर की वैल्यू यानी कि पोजिशन ऑपरेटर की वैल्यू, और साई डी टो। और ये जो कंडीशंस हमने लिखी हैं, ये जो फॉर्मूलेज लिखे हैं हमने, ये सभी तब ही काम करेंगे जब जो हमारा फंक्शन होगा वेव फंक्शन होगा वो नॉर्मलाइज्ड होगा। अगर कोई भी फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तब हमें एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अलग से होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ विदाउट नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो वो है एफ, अगर एफ की हमें नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो वो बहुत ही आसान है, इंटीग्रल साई स्टार वो फंक्शन जिस फंक्शन की निकालनी है एफ एक्स साई डी एक्स ओवर इंटीग्रल साई स्टार साई डी एक्स, तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। और इसको हम x के केस में कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। x साई स्टार x साई डी एक्स साई स्टार साई डी एक्स, अगर मैं इसको हटाकर यहाँ डी टो कर देता हूँ तो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी किसके केस में, जब फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। और नॉर्मलाइज करने के लिए फंक्शन को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें याद होगा जब हमने नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन स्टडी किया था तो वहाँ पर हमने 1/√n से मल्टीप्लाई किया था, और ये जो वैल्यू है इसको हमने वहाँ पर n डिनोट किया था, तो ये नॉर्मलाइजेशन के लिए ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन देखना है तो आप मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर हम पोजिशन नहीं, ये मोमेंटम है, मोमेंटम के अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ऑपरेटर यूज़ करना होगा। कौन सा ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। तो इंटीग्रल साई स्टार ये मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर कुछ इस तरह था आई नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल, और डेल अगर मैं एक डायमेंशन में लिखूं तो मैं उसको डेल ओवर डेल एक्स भी लिख सकता हूं क्योंकि सिर्फ वन डायमेंशन के लिए ही पूछा गया है। अब एच बाई आई कहाँ से आया इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, एच बाई आई आ गया है यहाँ पर, नेगेटिव था आई एच डेल ओवर डेल एक्स,
अगर मैं यहाँ पर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर वो होता है -1, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच ओ क्रॉस ओवर आयोटा बच जाएगा। तो वो यहीं से लिखा गया है और इसकी वैल्यू होगी कुछ इस तरह। तो कैलकुलेशंस कुछ यहाँ लिखी हुई हैं इस तरह। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अब क्या होगी? श्रोडिंगर इक्वेशन वैसे तो आयोटा ऊपर ही होता था, लेकिन हम नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आयोटा को नीचे रखते हैं कुछ इस तरह यूज़ करके। तो हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो होगी एच क्रॉस स्क्वायर आयोटा एम, यहाँ पर 2πm होता था, 2m होता था, तो यहाँ पर 2 नहीं है, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये थोड़ी सी उल्टी लिख रखी है हमने इक्वेशन, हम कुछ इस तरह लिखते थे ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, यहाँ मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ कर लेते थे, और यहाँ पर साई प्लस में वी साई। तो इक्वेशन बस घुमा कर लिखी है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर हम इस सब को रिप्लेस करें एक ऑपरेटर से तो वो होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसको हम बोलते हैं एच ओ पी, और वो ऑपरेट करता है साई पर, तो मिलता है ई साई। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो ये होती है, अगर हम यहाँ से साई हटा देते हैं तो ये वाली पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी, तो इसी को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये ही उसकी वैल्यू है। अगर हम थ्री डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर पोजिशन जो मोमेंटम है इस ऑपरेटर की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी होगी, वो होती है एच क्रॉस बाई 2m डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड प्लस वी एक्स वाई जेड। तो वो होगी हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। तो ये रोल है हमारे ऑपरेटर्स का क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, एनर्जी, पोजिशन, मोमेंटम, हैमिल्टोनियन, और कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे हर्मिशन ऑपरेटर्स, या फिर कुछ अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं जो कि कम्यूट करते हैं, एडजॉइंट करते हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।